अब हमारी जो ये सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो एग्जाम में सीआरक्यू में आती है, सीआरक्यू में अगर ना आए तो फिर एमसीक्यू में जरूर आती है, सही है? तो वो हाँ सोर्स हम आज स्टार्ट करेंगे, इस सोर्स का नाम है एम्प्लॉयमेंट इनकम। क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम जो होती है ये है सैलरी। एम्प्लॉयमेंट इनकम मीन्स सैलरी। अब बात समझिएगा, सैलरी किसको मिलती है जो जॉब करता है? सैलरी किसको मिलती है जो जॉब करता है? अब देखो, अकाउंटिंग को भूल जाना, यहाँ पे हम रूल्स पढ़ते हैं जो किसने डिफाइन किए हैं, एचएमआरसी ने। एचएमआरसी बोले तो हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, जो यूके का टैक्स डिपार्टमेंट है। जैसे पाकिस्तान का एफबीआर होता है, इंडिया का इंडियन रिजर्व, इंडिया का होगा, बांग्लादेश का अपना होगा, यूके का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका नाम है एचएमआरसी। एचएमआरसी बोलता है ऐसे करो, ये काम करना है ऐसे करना है, तो हम वैसे ही करेंगे, हम अपनी होशियारी कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे बदमाश टैक्स डिपार्टमेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल्स बनाए हैं, हमें उन रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, हमें अपना दिमाग अपनी लॉजिक्स सब साइड पे रख देनी, सारी लॉजिक्स को घर पे रखना है। जो लॉजिक्स अब हम बताएंगे, जो यानी एचएमआरसी बताएगा, आपने वही लॉजिक चलानी है। तो सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी हैंडआउट में भेज, एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या है? एम्प्लॉयमेंट इनकम वो होती है जो बंदा नौकरी से कमाता है। तो नौकरी किसको बोलते हैं? नौकरी उसको बोलते हैं जब बंदा अपने आप को किसी के हवाले कर देता है कि मेरे को कंट्रोल करो, मुझसे काम लो, मुझे एक टाइटल दो, जॉब दे दो, ये काम आपका है, प्रॉफिट आपका है, एसेट्स आप मुझे दो, मैं काम करके सबमिट करूंगा, मुझे कंट्रोल करो, मेरे काम को डिसाइड करो, मुझे सिक पे दो, मुझे छुट्टियों के पैसे दो, कुछ केसेस में यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। तो ये जो है, ये जो चीजें 5 बॉक्सेस हैं, ये बताते हैं कि बंदा इन पांचों में से कोई एक चीज अगर कर रहा है तो ही इज एन एम्प्लॉय, यानी ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन, एंड इफ ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन ही इज एन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जो कमाएगा उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम। और एम्प्लॉयमेंट इनकम में देखो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टर लेवल के अमीर लोग जो साल के 8,500 पाउंड से ज्यादा कमाते हैं, और एक होते गरीब जो साल के 8,500 पाउंड से कम कमाते हैं, लोअर पेड एम्प्लॉयज जो 8,500 पाउंड सालाना से कम कमाते हैं, हायर पेड एम्प्लॉयज जो 8,500 सालाना से ज्यादा कमाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालने का एक छोटा सा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट बड़ा आसान है अभी के लिए बड़ा आसान ये फॉर्मेट है कि भाई एनुअल सैलरी सैलरी मिलेगी, बोलो, कैश वाउचर, वाउचर क्या होते हैं, कंपनी कभी कभी बोलती है जा ये रेस्टोरेंट में जाके खाना खा ले, चीज का वाउचर, फॉर्मेट है। बोनस, कमीशन, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बोले तो कंपनी ने गाड़ी दे दी, कंपनी ने फ्यूल दे दिया, कंपनी ने घर दे दिया, कंपनी ने बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, कंपनी ने एक डीवीडी प्लेयर दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, कंपनी ने मोबाइल फोन दे दिया, बेनिफिट्स। और रीइंबर्स एक्सपेंस, आपने कंपनी के लिए कोई खर्च किया, कंपनी में बिल जमा कराया, कंपनी ने पैसे दे दिए। और एक्सपेंसेस जो आप अपनी सैलरी में से एक्सपेंस करोगे, जो कि 4 ही अलाउ हैं, वो माइनस होने के बाद एक आंसर आएगा जिसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम कौन सी इनकम होती है? नॉन सेविंग होती है। कौन सी इनकम होती है? नॉन सेविंग। नॉन सेविंग हाँ होती है। अभी हमने हेडिंग पढ़ी है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स, राइट और रॉन्ग, तो ये नॉन हाँ सेविंग का पार्ट बनेगा, ये जो फाइनल आंसर आएगा। यहां तक तो मेरे ख्याल में आसान है। एक सवाल है सर, हम ये जो फॉर्मेट बनाएंगे इसके लिए कोई ईयर वियर होगा क्या? अकाउंटिंग में तो ईयर एंड होता था, अकाउंटिंग में क्या हाँ होता था? ईयर एंड होता था। ये एंड टैक्स में होता था। सर ईयर एंड होता है? तो नहीं, टैक्स ईयर में ईयर एंड नहीं होता, टैक्स ईयर में क्या होता है? टैक्स ईयर होता है। हमने जो भी काम करना है आज टैक्सी रूट इंडिविजुअल के लिए, हमने उस टैक्स ईयर को पकड़ के काम करना है।
ना हम टैक्स ईयर से आगे जाएंगे ना टैक्स ईयर से पीछे। हमारा जो टैक्स ईयर है जो रेलिवेंट है जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड मार्च 2024 के अटेम्प्ट्स के लिए, चार अटेम्प्ट्स के लिए जो रूल्स फिक्स हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, वो 22-23 टैक्स ईयर है। यानी टैक्स ईयर 22-23 आप बुक लें, आप किट लें, आप कोई भी हैंडआउट पढ़ें, आप कोई भी इंटरनेट पर सर्चिंग करें, याद रखना 22-23 का पढ़ना, क्योंकि हर साल टैक्स क्या हो जाता है, बदलता है, टैक्स के रेट्स क्या होते हैं, बदलते हैं। अगर आप पुराने साल की कोई चीज पढ़ लोगे, आप बोलोगे हैं सर आपने तो कुछ और पढ़ाया, वो मैंने वीडियो देखी, मैंने ये देखा उसमें कुछ और था, तो मैं कहूंगा भाई आप ये देखो आपने कौन से साल की वीडियो देख ली है। 22-23 22-23 टैक्स ईयर इज रेलिवेंट, इससे हिलना नहीं है। सर इसका फुल फॉर्म तो बताइए, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, इसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल टैक्स ईयर शुरू होता है, 6 अप्रैल यानी बीच में 6 तारीख को, और खत्म होता है 5 अप्रैल। ये यूके है, किसकी बदमाशी चल रही है, HMRC इज द डॉन, वो बदमाश है, उनकी बदमाशी चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अकाउंटिंग में एक्चुअली आपकी चलती है, आप अपनी मर्जी से क्या रखते हो, आप अपनी मर्जी से अकाउंटिंग ईयर सिलेक्ट करते हो, जो दिल चाहता है वो करते हो, लेकिन ये टैक्स है, टैक्स में टैक्स ईयर आपकी मर्जी का नहीं होगा, किसकी मर्जी का होगा, जो यूके में तय हो चुका, और वो टैक्स ईयर हाँ तय हो चुका है जो 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पे खत्म हो जाता है, 6 अप्रैल 2022 टिल 5 अप्रैल 2023 इज योर टैक्स ईयर। यहाँ तक कोई भी चीज, कोई तकलीफ है, कोई क्वेश्चन है जैन तो जरूर पूछिएगा। नहीं सर। एनुअल सैलरी का मतलब होगा टैक्स ईयर में मिलने वाली सैलरी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो इस चैप्टर के अंदर है बेनिफिट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की वो है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स बेनिफिट में हमारे पास 32 बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं जी, 32 32, 3 and 2, 32, टेंशन नहीं लेने का, 32 बेनिफिट्स हैं। कोर्स सबसे बड़ा कोर्स इसीलिए तो है स्किल्स का कि 32 32 बेनिफिट एक एक चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि आज हम एक बेनिफिट बार पढ़ेंगे जिसका नाम है कार। क्या नाम है, कार। सबसे पहले एक बात याद रखना, बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है, बेनिफिट किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ बेनिफिट। बेनिफिट बोलते हैं मेरी आसान जबान में, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर प्राइवेट यूज। ये ज्यादा इंग्लिश हो गई, उर्दू कर लेते हैं, मुफ्ता, ठीक है, मुफ्ता सिंपल। वो चीज जो एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉई को मुफ्त में, फ्री में, उसको कहते हैं बेनिफिट, ठीक है, उसको कहते हैं बेनिफिट। कोई मुश्किल, बेनिफिट नहीं सर, अब बेनिफिट की बात कर ली, बेनिफिट वो चीज है जो एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉय को फ्री में, हाँ अब इसमें जो पहला बेनिफिट है उसका नाम है मोटर कार। क्या नाम है, मोटर कार गाड़ी देगा एम्प्लॉयर किसको देगा, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉई का क्यों देगा, घूमने फिरने के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो वो बेनिफिट बनेगा। ये बेनिफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, क्या है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला जरा आराम हाँ से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला है लिस्ट प्राइस इनटू रेट, लिस्ट प्राइस इनटू रेट। और हमारे लिए रेलिवेंट क्या चीज है, टैक्स ईयर ना,
अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23 तक होता है, राइट और रॉन्ग? जी एक बात बताओ, टैक्स ईयर के अगर बीच में टैक्स ईयर के अगर बीच में गाड़ी दी, मिसाल अज्यूम 1 दिसंबर को गाड़ी दी, तो क्या मैं ये रेट, ये जो परसेंटेज है, पूरे साल की लगाऊंगा कि ये मैं मंथ्स को रेलिवेंट कंसीडर करूंगा, करना चाहिए मंथ्स कोई के हिसाब से मंथ्स के हिसाब से, यानी जितने मंथ्स यूज किया है टैक्स ईयर में इसको कंसीडर करना होता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर होगा, बस अभी ये मैंने जो लिखा है इसके लिए मैंने समझाया है कि अगर टैक्स ईयर के बीच में गाड़ी मिली है तो फिर हम हमारी वर्किंग को मंथ्स पे उतार देंगे, मंथ्स पे ले जाएंगे, एक आंसर आ ठीक। जाएगा, ये होगा कार बेनिफिट। टैक्स की जबान में ये है आपका बेनिफिट, टैक्सेबल बेनिफिट, जो आप अपनी सैलरी में ऐड कर लोगे। यहाँ पे अपनी सैलरी में क्या कर लोगे, ऐड कर देंगे। जो कि आपकी सैलरी को बढ़ा देगा। सैलरी बढ़ तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ जाएगा, राइट और रॉन्ग? अब हाँ इस बात का ध्यान से समझिएगा, अज्यूम करो ये बेनिफिट आता है 1,000 पाउंड, कितना आता है? हजार। अब कंपनी ये कहती है, भाई देखो गाड़ी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप जो है ना, हमें साल के 100 पाउंड देना। क्या देना? तो वो जो मैं पे कर रहा हूं, यानी एक तरह से किराया हुआ कि नहीं हुआ, हाँ यानी गाड़ी कंपनी मुझे दे रही है और मैं चलाने के लिए उनको कुछ पैसे दे रहा हूं, बेनिफिट की हाँ डेफिनेशन क्या थी? एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को दिए और फ्री में। फ्री। लेकिन अगर मैं उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए 100 पाउंड, ये मैंने एग्जांपल लिखी है नंबर, सही है, अगर मैं 100 पाउंड दे रहा हूं, तो जो 1,000 आंसर आ रहा था फार्मूला का, क्या मेरे को 1,000 का बेनिफिट हो रहा है कि मैं उस बेनिफिट में से 100 पाउंड लौटा रहा हूं? 100 पाउंड निकाल देंगे ना। जो 100 पाउंड निकाल देंगे तो जो बचेगा ये हाँ मेरा फाइनल बेनिफिट होगा, जो कि मैं सैलरी में ऐड करूंगा। ये फार्मूला भी लिखा है, अभी इस फार्मूले में हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद ये आपको और क्लियर होगा। यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिएगा, नहीं, एक ठीक है? आप मिनट बस जरा, मैं लिख लूं। हाँ ये आप कॉपी करें। हो गया सर। अब मैं एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, जिसके में हम सबसे पहले इस फार्मूले में जो रेट है ना वो निकालना सीखेंगे, कि रेट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेट। रेट ठीक एक छोटा सा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है बोरिस, नजर आ रहा है? बोरिस, बोरिस को कंपनी ने एक पेट्रोल की गाड़ी दी, CO2 था 140, और ठीक आपने परसेंटेज निकालनी है, रेट निकालना है। ठीक है, अब रेट निकालना बड़ा आसान है, टैक्स के पेपर में टैक्स के कुछ रेट्स हमेशा गिवन होते हैं, उन रेट्स में हमारे पास एक टेबल होगा, या वो पेपर में गिवन होगा, ये टेबल आपके सामने अभी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ये टेबल रेट्स निकालने के लिए यूज होता है और ये पेपर में गिवन होगा। अब इसको यूज कैसे करना है ये सीखना है, तो सबसे पहले हाँ अभी हम जो सीख रहे हैं वो कौन सी गाड़ी के लिए सीख रहे हैं? पेट्रोल। पेट्रोल कार का रेट निकालना सीख रहे हैं, ठीक हो गया? यानी अब मेरा फोकस इस कॉलम पे है, पेट्रोल वाले, पहले वाले पे गाड़ी के CO2 की बेसिस पे रेट निकलता है, कार के CO2 की बेसिस पे रेट निकलता है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है? अब CO2 दिया होगा,
केस में CO2 कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 140। अब कैसे करना है ये देखो। अगर CO2 51 से 54 के बीच में हो तो पेट्रोल का क्या रेट आता है? 15। अगर CO2 एग्जैक्टली 55 हो जाए तो क्या रेट आता है? सोलह। और अगर CO2 55 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो होगा ये कि भाई जो अप टू 55 वाला है ना, ये समझा रहा हूं मैं, सीखना। अप टू 55 वाला जो है ना 16, ये तो रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बेस बन जाएगा। और जो एक्सिस है ना, एक्सिस एक्सिस हाँ, का मतलब 140 है। 55 से कितना ज्यादा है? एटी 140 माइनस 50, एक्सिस को डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों? लिखा हुआ है कि हर 5 ग्राम पे 1%। क्या लिखा हुआ है? हर पांच अच्छा ठीक ग्राम पे है। 1%। मतलब ये हुआ कि एक्सिस डिवाइडेड बाय 5, ये फार्मूला बन गया कि जो CO2 दिया होगा उसको 55 से माइनस करना और 5 से डिवाइड कर देना। क्या आंसर आ रहा है? 17। 16 तो बेस था, 17 आपने कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 33। ये आ गया 33 का रेट। कि ये गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है तो इसका रेट निकालने का ये तरीका है। अगर 55 ग्राम से ज्यादा हो तो 55 ग्राम तक तो हम 16 लेते, और जितना ज्यादा है, जितना एक्सिस है, तो एक्सिस का रूल ये है, एक्सिस डिवाइडेड बाय 5। क्या रूल है? एक्सिस डिवाइडेड बाय 5, और एक्सिस 5 से डिवाइड किया, जो आंसर आया वो 7, जो भी आया उसको हमने, जो बेस 16% था उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक खत्म। रेट आ गया, रेट इस तरह से निकलता है। ठीक हो गया। आगे बात ओके। करेंगे थोड़ी सी कि सर गाड़ी पेट्रोल की आपने बोला, क्या पेट्रोल के अलावा भी कोई तरह की गाड़ियां होती हैं? तो जी हाँ, गाड़ियों की 4 टाइप्स आपके कोर्स में है। कितनी टाइप्स है हमारे कोर्स में? 4। मैंने हाँ कहा क्वेश्चन वगैरह ये आपको हैंडआउट में मिलेंगे, सिर्फ आंसर आप लोग कॉपी करते जाइएगा। कार कोर्स के मुताबिक एक होती है इलेक्ट्रिक कार, थोड़ी देर बाद देखेंगे। कोर्स के हिसाब से एक होती है हाइब्रिड कार, थोड़ी देर बाद देखेंगे। कोर्स के हिसाब से एक होती है पेट्रोल कार, अभी हमने देखा। कोर्स के हिसाब से एक होती है डीजल कार, थोड़ी देर बाद देखेंगे। डीजल कार को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। डीजल देखो ज्यादा ज्यादा CO2 छोड़ता है ना, डीजल जो है वो ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। तो यूएस हाँ में, यूरोप में एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है RDE2, रियल ड्राइविंग एमिशन, RDE2। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये एमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं यूके के, यूरोप के। अगर गाड़ी डीजल की है और स्टैंडर्ड को या तो मीट करती होगी या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती होगी। गाड़ी अगर डीजल है और स्टैंडर्ड को मीट करती है तो उसकी वर्किंग, उसका ट्रीटमेंट पेट्रोल कार की तरह ही होता है। इसलिए आप अगर ये टेबल पढ़ो तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ था, पेट्रोल कार एंड डीजल की गाड़ी जो स्टैंडर्ड को मीट करती है, तो इनका ट्रीटमेंट, हाँ पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की वो गाड़ी जो स्टैंडर्ड को क्या करती है, मीट करती है, उसकी वर्किंग यही है, यानी 33%। लेकिन ठीक लेकिन डीजल की वो कार जो स्टैंडर्ड को मीट है। नहीं नहीं करती। करती वो एक अलग है, उसका तरीका अलग है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बड़ा आसान है। इफ दिस कार इज डीजल, डीजल पावर नॉट मीटिंग RDE2,
हमें बताना है कि रेट क्या आएगा, परसेंटेज क्या आएगी। बड़ा आसान है, जो आपने गाड़ी का रेट निकाला है ना, पेट्रोल वाली का, क्या रेट निकाला है पेट्रोल वाली का, 83 इसमें 4% बढ़ा दो, फिक्स है। कितना परसेंट बढ़ा दो, क्या चार आंसर आ जाएगा? 37 खत्म। अगर पेट्रोल की गाड़ी है या वो गाड़ी है जो स्टैंडर्ड मीट करती है, उसको हमने करने का तरीका सीखा। लेकिन अगर गाड़ी ऐसी है जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, डीजल की गाड़ी है और स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, तो फिर क्या करेंगे? जो पेट्रोल की गाड़ी का आंसर आया है ना, उस आंसर में क्या चार ऐड कर देंगे? 4% परसेंट ऐड कर देंगे। कहानी खत्म, पैसा हजम। यहां तक कोई सवाल है तो पूछेगा, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लें तो बताइएगा। सर, ये 4% क्यों ऐड हो रहा है? लेकिन सर वो कहते हैं ज्यादा एमिशन होगा हम ज्यादा रेट देंगे, ज्यादा रेट देंगे आंसर ज्यादा आएगा, आंसर ज्यादा आएगा तो बेनिफिट ज्यादा आएगा, बेनिफिट ज्यादा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट इनकम ज्यादा आएगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम ज्यादा आएगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके सही है सर, आप आगे बढ़ जाए, मैंने लिख ली है। अब डीजल कार हो पेट्रोल कार, डीजल की दोनों स्टैंडर्ड मीट करती हो या ना करती हो, और पेट्रोल की, इनका रेट जो है ना, हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं। इनके रेट के लिए एक रूल है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कैप है 37 का। जैसे अभी आप यहां देखें, ये आंसर कितना आया था, 33 ये आंसर कितना आया था, 37 अज्यूम करो ये हमने सॉल्व किया और ये 33 नहीं आया, ये 42 आया, और 42 आया तो 42 + 4 कितना हो जाता थर्टी सिक्स है, ये आ गया। तो मेरा आंसर क्या ये 42 और 46 होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। हम लोग दोनों केसेस में 37% ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपका आंसर 37 तक कुछ भी आए, जो आए वो ले लेना, लेकिन अगर आपका आंसर 37 से ज्यादा आ जाए, जैसे मैंने अज्यूम किया कि अज्यूम करो 42 और 46 आ गया है, तो टैक्स वाला कहते हैं फिर भाई दोनों तरह की गाड़ियां, तीनों स्टैंडर्ड मीट करे ना करे या पेट्रोल की गाड़ी हो, आपका मैक्सिमम रेट आप कितने पे रोक लोगे, 37 37 से ज्यादा का रेट नहीं हो सकता। या तो कोई सवाल जहन में आ रहा है, नहीं कॉपी कीजिएगा, शाबाश। सर, आपको तो मेरा पता है, मैं तो आपके साथ ही लिखती रहती हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है लुइस, लुइस में हमने रेट निकालना है, अज्यूम करना है कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या फिर डीजल पे चल रही है जो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा, तो अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये टेबल, अभी तो याद नहीं है, ये टेबल पेपर में गिवन भी होता है, मैं टेबल को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये टेबल है, इम्प्रेस कर ठीक करके याद हो ही जाता है बच्चों को, है। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी बात हो रही है। अब देखिए, पहला सीन है CO2 132 ग्राम्स पर किलोमीटर। अज्यूम करता हूँ, ये पहली रिक्वायरमेंट में सॉल्व कर रहा हूँ, कि इट्स अ पेट्रोल कार। तो कैसे करते हैं, सही अप टू 55 ग्राम्स पर किलोमीटर तक तो 16 आता है, तय है, और ये 132 है, मतलब 55 से कितना ज्यादा है, ये फार्मूला है ना,
जितना CO2 दिया हो, -55 डिवाइड बाय 5, 132 सेवन क्या आंसर आता है? 15.4। अब जरा एक बात समझिएगा, 15 पॉइंट, एक चीज होती है राउंडिंग, हाँ इधर हमें एक रूल बताता है टैक्स, कहता है भाई हमेशा कार में रेट जब भी निकालोगे ना तो आपने राउंड डाउन करना है, क्या करना है, यानी राउंड डाउन सही। 15.99999 भी होगा ना तब भी आपने क्या लेना है, 15 ही लेना है, यानी आप नीचे आएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, एड अप करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 31। लेकिन थर्टी गाड़ी डीजल की गाड़ी होती जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही होती, यानी नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड कार होती, डीजल की गाड़ी जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही होती, क्या वन होता, 31 जो आया है वो, इसमें कितना ऐड कर देंगे, क्या चार परसेंट आंसर आ जाएगा। तो फाइव थर्टी फाइव ये हमारा पहला सॉल्व हो गया कि अगर 120 ग्राम है तो पेट्रोल की गाड़ी है तो रेट 31 होगा और डीजल है तो रेट 35 होगा, इसमें एनी क्वेश्चन। फिर नहीं। नहीं। है नंबर टू, नंबर टू में हमारे पास जो CO2 है वो चेंज हो गया, CO2 हो गया 187, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, 187। हाँ 187 अगर मैं इधर लिखूं तो 16 तो अपनी जगह रहेगा, 187 -55 डिवाइड बाय 5 आंसर आता है क्या, 26 पॉइंट समथिंग, हाँ हाँ हमने राउंड डाउन करना है तो मैंने 26 लिया, और 16 प्लस 26 हाउ मच, 42। 42। 42 में 4 ऐड हो जाएगा तो 46, क्या ये 42 और 46 सही आंसर है, नहीं हम यहाँ लिखेंगे कि भाई ये हम 42 निकाला तो है लेकिन जब हम वर्किंग करेंगे तो उसमें दोनों सिनेरियोज में हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और क्या रेट यूज करेंगे, 37 का, क्योंकि रूल है कि हमारा रेट, ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे भी, हमारा रेट 37 से ज्यादा हो सकता नहीं, नहीं है सही। ये हो गए सिनेरियोज, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, तीसरे में कितना CO2 है, 62 62, पेट्रोल की गाड़ी CO2 62, 62 -55 डिवाइड बाय 5 हाउ मच, 1 मिनट सर। 1.4 तो 1 हुआ। डाउन 17 आ गया, पेट्रोल की गाड़ी होगी तो 17 लेके चलेंगे और अगर डीजल की गाड़ी होगी तो 17 प्लस 14, सॉरी 17 प्लस 4 हाउ मच, 21। लेकिन 21। डीजल की कौन सी गाड़ी जो स्टैंडर्ड मीट ना, नहीं कर अगर रही है। डीजल की गाड़ी स्टैंडर्ड मीट करती होगी तो क्या लेंगे, सेम जो आंसर 17। 17 जो पेट्रोल की गाड़ी का आंसर है। इसके बाद सीन है थोड़ा सा ऑफ, 53 ग्राम की गाड़ी है, इसका क्या करूं, 53 वाली देखो या क्या इसमें फॉल नहीं कर रही, हाँ रेंज में फॉल कर रही है, तो अगर पेट्रोल वाली है तो रेट आएगा 15 और अगर डीजल की वो है जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करती तो क्या आंसर आ जाएगा, पानी 19। खत्म, ऐसा हाँ ये था रेट निकालने का तरीका जो हमने अभी सीखा है कि रेट ऐसे निकलता है, ठीक है। फार्मूले ओके को देखें तो फार्मूले में हमारे पास था लिस्ट प्राइस इनटू रेट, फिर मंथ्स थे और फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज था, रेट
इम्पोर्टेंट चीज थी, रेट निकालना सीख लिया। अब बात है कि सर लिस्ट प्राइस कैसे निकालें, सवाल है सर लिस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मेट है, एक टेबल है, वो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ये पेपर में गिवन नहीं होगा, रेट गिवन होते हैं, ये बाकी चीजें नहीं होती। लिस्ट प्राइस निकलती है देखो ऐसे, लिस्ट प्राइस गिवन होगी, एसेसरीज गाड़ी में क्या लगती हैं, एक्सेसरीज एक्स्ट्रा एसेसरीज, और माइनस होती है एक चीज जिसको कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कंपनी ने कहा भाई हम आपको गाड़ी दिलाना चाहते हैं, हम आपको क्या दिलाना चाहते हैं, कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड करना चाहती है, लेकिन मसला यह है कि कंपनी के पास 2,000 पाउंड कम है। तो अब एक साल वेट करो, जब 2,000 पाउंड आ जाएंगे ना, जब गाड़ी मिलेगी। तो आपने कहा भाई 10,000 पाउंड की गाड़ी है ना, 2,000 पाउंड कम है, 8,000 तो है ना आपके पास, ये आप दस हाँ में गाड़ी लेते, 2,000 पाउंड में मिला देता हूँ, गाड़ी दो। इसको कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये होता है जो परचेज प्राइस में एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है, अपना हिस्सा मिलाता है, क्या करता है अपना हिस्सा मिला देता है मिला कि भाई आप दे रहे हो दो, बाकी मैं दे देता हूँ। इसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन खरीदने की प्राइस में। एक यहाँ पे मसला है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया 1,000, तो यहाँ से कितना माइनस कर देंगे 1,000, 2,000 किया कितना माइनस कर देंगे 2,000, 3,000 किया तो 3,000, 4,000 किया तो 4,000, 5,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया तो माइनस करेंगे 5,000। लेकिन अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया 6,000, कितना किया, छः तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 5। मैक्सिमम यहाँ पे जो माइनस हो सकता है ना वो कितना हो सकता है, 5,000 अगर रियल में अल्लाह की कसम खा के बोल रहा है वो कि भाई मैंने 25,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, हम बोलेंगे हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे, सिर्फ पांच क्यों क्यों। तो मैं कहूंगा बेटा क्यों नहीं होता, यूं होता है, क्योंकि आप टैक्स का लॉ पढ़ रहे हो, आप कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे कि सर ऐसा क्यों होता है। बेटा ये लॉ है, ये कानून है, कानून ऐसा है और यूं ही है, यूं ही करना है, पास होना चाहते हो तो यूं कर लेना, होशियारी करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये है हमारी बात, ठीक का रूल के 5,000 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो 5,000, है। अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद छुट्टी, जिसके अंदर हम अब पूरा कार बेनिफिट निकालना शुरू करेंगे। हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है फैशनेबल लिमिटेड, और उसने अपने एम्प्लॉयज को, चार पांच एम्प्लॉयज हैं उसके, और उन सबको गाड़ियां दी हैं, ठीक है, कार बेनिफिट कंप्यूट होगा सबके लिए। तो एक बार इसको क्वेश्चन को रीड कीजिए। है पढ़ लिया। अब देखिएगा मरवा जो है, मरवा आंटी है, ठीक है, इनको कंपनी ने गाड़ी दी। हमारा फॉर्मेट, हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था लेस प्राइस फॉर्मूला था लिस्ट प्राइस इंटू रेट इंटू मंथ इंटरेस्ट मंथ्स यूज ड्यूरिंग टैक्स ईयर डिवाइडेड बाय 12 लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज, करेक्ट और रॉन्ग। सही है। ये फार्मूला मैंने जस्ट अभी आपकी सहूलत के लिए लिखा है। अब मैं इस फार्मूले में डेटा पुट करने जा रहा हूं,
गाड़ी कौन हाँ सी है? डीजल। स्टैंडर्ड को मीट कर रही है। पेट्रोल है। बात समझना, लिस्ट प्राइस कितनी है? 13,500। 13,500 लिस्ट प्राइस ले ली मैंने। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं, सर सर डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई है 12,500। तो मैं कहता, अच्छा सच्ची? बोले हाँ सर ये रही। तो मैं कहता, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ाया है आप लोगों को? बोले नहीं सर नहीं नहीं पढ़ाया। तो बेटा टैक्स में बहुत सारी फजूल इंफॉर्मेशन होती है, खली वली करो उसको, कोई काम नहीं है उसको। लिस्ट प्राइस बात लेनी सही है। है, एसेसरीज ऐड करनी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन माइनस करना है, बस ये तीन चीजें लेनी है। चौथी होशियारी करना, 48 मार्क्स से फेल करवा देगा, ठीक है? इनटू रेट, रेट कैसे निकालते हैं? देखो 107 है ना, तो मैं बता देता हूँ। अप टू 55 कितना होता है? 16। लाख और 107। 107 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, ये जो भी आंसर आएगा इसको करेंगे आप राउंड, कितना? 26 हो गया। पेट्रोल, 26 हो गया। ये डीजल की गाड़ी है जो स्टैंडर्ड मीट करती है, तो एडिशनल 4% नहीं आएगा, राइट और रॉन्ग? तो हाँ, एडिशन ही आएगा। ये 26। अब मंथ्स देखते हैं, टैक्स ईयर बनाएंगे। टैक्स ईयर क्या होता है? 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक। गाड़ी हाँ कब थी? हाँ कब गाड़ी कब मिली? गाड़ी कंपनी ने अगस्त में तेरा अगस्त में, तो अगस्त में दी है, हाँ इसका मतलब पूरा साल तो नहीं है, थ्रू आउट तो नहीं है, कितने मंथ्स है? उंगलियों पे काउंट करिए। अगस्त, नौ महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल के 5 दिन काउंट नहीं करते, ये 5 दिन अच्छा काउंट नहीं करते, ये लिख लो। हम मार्च लिखते, अप्रैल जरूर है, लेकिन काउंटिंग 31 मार्च पे खत्म होती है, यही रूल है और इसी तरह से करना है। काउंटिंग हमेशा 31 मार्च पे काम खत्म होगी, लिखेंगे हम पूरा वही अप्रैल तक। वो 6 अप्रैल 5 अप्रैल दिखाने के लिए होता है, काउंटिंग वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हो रही होती है। तो जरा मुझे बतलाइए कितने महीने हुए? अगस्त सितंबर 8 एट, 8 महीने हुए। हाँ तो 8 बाई 12 कर दूंगा। कोई कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज नहीं है, तो पहली मर्तबा लाइफ में आप लोग देख रहे हैं कि कार बेनिफिट तशरीफ लाया है। कितना? 2340। एनी क्वेश्चंस? ये आंसर है, ये वो कार बेनिफिट का अमाउंट है जो आपकी एनुअल सैलरी में एड अप हो जाएगा, ठीक है? सही है। अच्छा ये पहली एम्प्लॉय थी जिसका नाम था मारवा, मरवा। सेकेंड एम्प्लॉय है, उसका नाम सही है बैटी। अभी हम उसको पेस्ट करने लगे हैं वन नोट पे। बैठी बैठी आंटी को गाड़ी मिलती है, डीजल कार है, थ्रू आउट पूरा साल है, गाड़ी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही, लिस्ट प्राइस है नहीं 6400। कर रहे। थ्रू आउट है तो मैं मंथ्स की बात नहीं करूंगा, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज नहीं दिया हुआ। रेट निकालेंगे तो 55 ग्राम्स तक क्या होता है, सोलह और 137 है ना इसका CO2। माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5, राउंड डाउन सिक्सटीन कितना? 16 16 32, 32। द प्रॉब्लम इज दैट कि ये गाड़ी डीजल है और वो गाड़ी है जो स्टैंडर्ड मीट स्टैंडर्ड नेम नहीं कर रहे, तो उसमें 4% ऐड कर दें, 36 हो गया। 36 37 के अंदर अंदर ही है, तो 36 आ जाएगा और आंसर आएगा 5904। बैटी आंटी की कार बेनिफिट यानी टैक्सेबल बेनिफिट इज दिस।
एक मिनट सर, अब मैं कॉपी कर लूँ। सर F7 का रिजल्ट आने वाला है। सर फ्रांसिस्को तीसरा बंदा है, उसको भी गाड़ी मिली है। कौन सी गाड़ी है? पेट्रोल पेट्रोल है की गाड़ी है। और थ्रू आउट है, जबरदस्त। बात समझने की है, इसने खरीदने में कंट्रीब्यूट किया है, इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन हाँ बोलते हैं। तो हम जब लिस्ट प्राइस हाँ निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि लिस्ट प्राइस दी हुई है 22,600 की, उसमें एसेसरीज ऐड होती हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, एसेसरीज नहीं दी हुई, और इसमें हाँ माइनस होता है क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,000 है, तो 3,000 हाँ हमने सर, माइनस कर दिया। मैक्सिमम 5 तक तो हो सकता है, तो 3,000 5,000 के अंदर अंदर है ना, कोई इशू नहीं है, कोई हाँ तकलीफ वाली बात नहीं है। तो उन्नीस क्या आंसर आया? 1900 1600 रेट से करेंगे मल्टीप्लाई, 214 ग्राम्स, क्या रेट बनेगा? पेट्रोल की गाड़ी है, रेट जरा निकाल के बताइए। शाबाश, क्या रेट आ रहा है? एक मिनट सर, F47। 47 ले सकते हैं? नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किस पे? 37 पे। आंसर 37 पे क्या आएगा? एक7,252 क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। पेड द कंपनी 1,200 ड्यूरिंग टोटल द टैक्स ईयर फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। इसका क्या करें सर? हमने ऊपर फॉर्मेट लिखा है, हमें पता है कि अगर चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको क्या करना चाहिए, माइनस माइनस। तो ये चलाने के लिए, प्राइवेट यूज के लिए ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको कर देंगे क्या, माइनस। माइनस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना 1,200 आंसर आ जाएगा? 6,052 ये होगा कार बेनिफिट, जो इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक पेट्रोल डीजल कार बेनिफिट बहुत हो गए। है। अब एक और तरह की गाड़ी पढ़ते हैं, इस गाड़ी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कार। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कार ठीक इलेक्ट्रिक कार का बेनिफिट निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। इलेक्ट्रिक कार CO2 नहीं होता उसमें, इलेक्ट्रिक कार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती ना, जैसे टेस्ला है। हाँ हाँ ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें डीजल बर्न नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए जो रेट है ना, वो फिक्स है। कितना परसेंट? बस 2% रेट में फर्क है, बाकी पूरा वही है कि अगर टैक्स में मिली नहीं है, थ्रू आउट नहीं है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज है, ये सारी हरकतें अपनी जगह रहेंगी।
सिर्फ किस में फर्क है, रेट में। जैसे कि आप देखें क्वेश्चन है, ईशा नजर आ रहा हाँ है, ईशा को कारी मिली, थ्रू आउट मिली, जीरो CO2 है, लिस्ट प्राइस कितनी है 17,000। ये सत्रह गाड़ी हजार का इलेक्ट्रिक कार है नहीं है, तो पेट्रोल और हाँ डीजल वाले रूल या नहीं लगेंगे या इलेक्ट्रिक के रूल लगेंगे। इलेक्ट्रिक की जीरो एमिशन होती है तो क्या रेट होता है, बस 2%। थ्रू आउट है और कोई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड यूज नहीं है। तो जो ये आंसर आ रहा है यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, कहानी का नाम 340 पैसा हजार। 840 340 340। अच्छा मैं 840 सुना था, 340। तो आपने इलेक्ट्रिक कार भी पढ़ लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक। लास्ट किस्म की जो गाड़ी है वो होती है हाइब्रिड, बड़ी मशहूर है हाइब्रिड कार्स, एक्वा, प्रियस, ये हाइब्रिड कार्स है ना। हाइब्रिड कार्स एक लेवल हाँ। तक इलेक्ट्रिक पे चलती है और वरना फिर वो फ्यूल पे कन्वर्ट, फ्यूल से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से फ्यूल कन्वर्ट होती रहती है ना। जी आपको लिखा हुआ आएगा कि ये हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड कार है तो फिर एक टेबल होता है, जैसे फ्यूल और पेट्रोल और डीजल का एक टेबल था ना। ये टेबल हाँ भी जो अभी मैं शेयर करने लगा हूँ, ये टेबल भी आपको पेपर में गिवन होगा। ये इलेक्ट्रिक रेंजेस का टेबल है, रेंज का टेबल है, रेंज का ये टेबल पेपर में दिया होगा। हाइब्रिड गाड़ी के लिए हाइब्रिड कार का रूल है, सबसे पहले ये समझ लो कि हाइब्रिड कार का CO2 50 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 तक। अगर हाइब्रिड कार का CO2 50 तक है, 50 तक है, तो फिर रेंज के हिसाब से काम होता है। ठीक ठीक है, कैसे होगा है। हाँ देखिएगा। एक क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं, ये भी हैंडआउट में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है। 3 है हैंडआउट का। डायरेक्ट इसको एक बार पढ़िए, सब पढ़िए साहब। हाइब्रिड सही है। कार, हाइब्रिड कार है, पूरा साल की हाँ फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस इनटू रेट। मसला ये है कि इंटरजेट CO2 देखो, CO2 कितना है, 39 ग्राम पर किलोमीटर। यानी 50 के अंदर अंदर है। तो हाँ अब इलेक्ट्रिक रेंज देखो कितनी रेंज है, बात फोर्टी वन समझो। माइल्स ये जो रेंज इतनी सारी दी हुई है, इसमें से कौन सी लाइन, 41 तीसरा कहाँ है इसमें, कितना, थर्ड क्या परसेंटेज है, आठ क्या पूरा साल गाड़ी मिली है। हाँ आंसर क्या आया, फोर्टी 800। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज है क्वेश्चन में, नहीं है। हाँ 16।1600 कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड यूज कौन पे कर रहा होता है, एम्प्लॉय ये किसने पे करा है, तो एम्प्लॉयर ने क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड यूज है। फाइनल नहीं। आंसर इज 4,800। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज एम्प्लॉय पे करता है। सर फिर ये 1600 का क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने तो पे नहीं किया, तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज नहीं है, खत्म। एम्प्लॉयर सर गाड़ी पे इंश्योरेंस कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, फलाना कर रहा है, ठिमकाना कर रहा है, तो करता रहे। हमने अपने रूल में नहीं पढ़ा, इसका मतलब इग्नोर करो, खल्ली वल्ली बाबा, इसका कोई काम नहीं है। नहीं है। ये कार बेनिफिट में हमने चारों गाड़ियां पूरी कर दी कि गाड़ी आएगी
तो आंसर कैसे आएगा, कार बेनिफिट कैसे कंप्यूट होगा। लास्ट क्वेश्चन है पहले कटे, कार बेनिफिट का एक टेस्ट कह लो। दो लोग हैं सुई एंड प्रकाश, दोनों के लिए आपने मुझे कार बेनिफिट बताना है, 5 मिनट में होना चाहिए, बताइए। 280 3280 कार बेनिफिट फॉर सुई, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और प्रकाश, कितना आ रहा है प्रकाश का? 7320 क्यों? प्रकाश ना आ रहा है आंसर सर। ये 11470। चेक कर लेते हैं आपकी गलती कहाँ है। प्रकाश, लिस्ट प्राइस कितनी अच्छा है? 36,000। कैपिटल एसेसरीज तो नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया है इसने? 6,000 नहीं, 6,000 लिख सकता हूँ? अच्छा रूल है कि मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 31,000, 5,000 5,000, तो 31,000 आ गया। रेट क्या निकाला है आपने? सर, रेट ज्यादा आ रहा था तो 37 पे रुक गई थी। सही है, रेट ज्यादा आ रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड टू 37 आंसर इज, और थ्रू आउट गाड़ी मिली हुई है, पूरा साल मिली हुई है, तो मसला ही कोई नहीं है। कितना आ रहा है? 11,470 आ रहा है। अब सही है सर। प्रकाश ने, सर प्रकाश ने इतने किलोमीटर चलाए, ने ये करा, भाई किलोमीटर मैंने आपको पढ़ाया है कि किलोमीटर का कोई काम होता है? नहीं पढ़ाया तो इग्नोर करो। प्रकाश ने आपने क्या गलती की थी देख लो, और इसके हाँ साथ कार बेनिफिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्यूल बेनिफिट, फिर अकोमोडेशन बेनिफिट, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। 32 बेनिफिट्स हैं, इसमें पहला बेनिफिट आज हमने पूरा किया है, ठीक है। नहीं।